हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेसला इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडी लीगल, एडिशनल डायरेक्टर लीगल। डियर स्टूडेंट, ये एक 17 ग्रेड की पोस्ट है जो कि पिछले दिनों फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने इस पोस्ट को अनाउंस किया। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन, अगर वो एक इनरोल्ड वकील है और उसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और उसकी एज अगर 35 साल से कम है तो वो एलिजिबल है कि वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो एडी लीगल की प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो डियर स्टूडेंट, एडी लीगल की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है। तो लास्ट टाइम जिस तरह से एडी लीगल की पोस्ट अनाउंस की गई थी तो उसका सब्जेक्ट 80% एकेडमिक और 20% इंग्लिश रखा गया था। तो डियर स्टूडेंट, अब जो ये पोस्टें अनाउंस हुई हैं इसका जो सिलेबस है वो भी सेम ही होगा, यानी कि 80% एकेडमिक और 20% इंग्लिश। अब डियर स्टूडेंट, ये एकेडमिक है क्या? एकेडमिक का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप एक LLB स्टूडेंट्स हैं और अगर आप LLB कर चुके हैं तो LLB में आपने जो भी सब्जेक्ट्स स्टडी किए, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, तो वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपकी एकेडमिक लेवल कहलाते हैं। जैसा कि अगर आपने PPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए थे तो एकेडमिक लेवल का मतलब ये है कि इनमें से ही आपका जो पेपर है वो बनकर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, 80% एकेडमिक में हमें तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन नहीं करनी, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी है तो मैं उसके बारे में ही आज आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, अब आप गौर से सुने कि 80% एकेडमिक में हमें कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PPC की। PPC पाकिस्तान पिनल कोड, ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसकी हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी है एडी लीगल के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसकी तैयारी में हमें क्या क्या पढ़ना है? वैसे तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें, आपको कम्प्लीटली PPC कोशिश करें कि उसे याद करने की, लेकिन उसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर सेक्शंस हैं, उनको हमें ज़रूर याद रखना है, या फिर उसमें जो मेजर चैप्टर्स हैं उन्हें हमें ज़रूर याद रखना है। तो उन चैप्टर में से अगर डियर स्टूडेंट हम बात करें PPC की, तो PPC का जो मेजर हमारा एक चैप्टर है वो है उसकी डेफिनेशन चैप्टर, यानी कि आपको डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पे किस तरह से आपको याद करनी है कि आप डेफिनेशन जो आपका चैप्टर उसको खोलेंगे और उसमें जब आप पढ़ेंगे ऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है, फ्रॉड किसे कहते हैं, और इसी तरह से रॉन्गफुल गेन क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्या है, इस तरह की जो भी आपके ये टर्म्स होंगे लाके, आप ये इनको तमाम इनकी डेफिनेशन को याद कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, एक और हमारे पास मेजर चैप्टर है और मेजर सेक्शन हैं, उनके हमें याद करना है, और वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट डियर स्टूडेंट PPC में सेक्शन नंबर 53 के अंदर दी गई है और उसके अंदर हमारे पास 10 टाइप ऑफ पनिशमेंट होती हैं, तो उनको आपको ज़रूर भी स्टडी कर लेना है। उन पनिशमेंट्स में से आपके पास किसास, दियत, अर्श, दमन, ताजीर, डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर प्रॉपर्टी, फाइन, इस तरह की पनिशमेंट्स हैं। तो आपको इन तमाम पनिशमेंट्स को देख लेना है और प्लस में ये भी देख लेना है कि इनमें कंपेसेशन कितने और क्या क्या कंपेसेशन दिए जाते हैं, कोर्ट कौन से कंपेसेशन जो है वो फिक्स रखती है और कौन से कंपेसेशन है जो कि फिक्स नहीं होते, इस तरह से आपको डिटेल से इसकी स्टडी करनी है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो आप एक हमारे पास चैप्टर कत्ल का है जो कि 302 से स्टार्ट होता है और 322 पे जाकर एंड होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को भी आप ज़रूर देख लें, जिसके अंदर कत्ले अहमद, कत्ले शिबे अहमद, कत्ले खता, कत्ले बेसबब, इनको आपने डिटेल से पढ़ना है कि ये कत्ल किस तरह के होते हैं, इनकी पनिशमेंट कितनी होती है, तो इसको भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। उसके बाद आप हर्ट्स को स्टडी कर लें। डियर स्टूडेंट, हर्ट्स क्या हैं? आपके पास इतलाफ़ अज़ू, इतलाफ़ सलाहियत अज़ू, इतलाफ़ अज़ू पहला हर्ट है, दूसरा इतलाफ़ सलाहियत अज़ू, तीसरा हर्ट हमारे पास सजा है, फिर सजा में कुछ आपके पास जो है वो उसकी सजा की काइंड्स आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास सजा खफीफा है, सजा मुदीहा है, सजा मुनाकिला है, सजा
दाएं बाएं इस तरह से सजा की कुछ कैटेगरीज उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी कितनी पनिशमेंट है किस तरह से वो आपको सब देखना है। उसके बाद हमारे पास जरा आ जाता है हर्ट में चौथा। जरा के अंदर आपको ये देखना है कि जराए जायफा और जराए गैर जायफा। जराए जायफा की एक काइंड, लेकिन जराए गैर जायफा की जो है वो कुछ काइंड हो जाती है, तो उन काइंड को भी आपको डिटेल से स्टडी कर लेना है और पढ़ लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट पाँचवा जो हमारे पास हर्ट्स होता है वो अदर हर्ट कहलाता है। जैसे अगर किसी को पॉइजन देकर मारा जाए या फिर कोई रश ड्राइविंग में किसी की मौत हो जाती है, तो इस तरह के जो हर्ट हैं वो अदर हर्ट कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट उसके अलावा पीपीसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन हैं, जैसे जो 368 से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपका थेफ डेकेटी, इस तरह से जो भी आपके इम्पोर्टेंट ये सेक्शन थे ये आपको तमाम के तमाम याद कर लेने। प्लस में 365 से आपकी किडनैपिंग का एक जो है वो चैप्टर शुरू हो जाता है, उसको आप ज़रूर तौर पर देख लें कि किडनैपिंग को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो डियर स्टूडेंट ये मेजर मेजर चीज़ें आप पीपीसी के अंदर से स्टडी करेंगे और कोशिश करें कोई ऐसा सेक्शन ना छूटे और पीपीसी को हम कम्प्लीटली जो है वो इसके सेक्शंस को याद करना है। उसके बाद सेकंड अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है सीआरपीसी। सीआरपीसी डियर स्टूडेंट सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजरल एक लॉ है और जो हमारा पीपीसी था वो एक सबटेंशन लॉ था। तो अब ये प्रोसीजरल लॉ जो है सीआरपीसी, इसके अंदर तमाम प्रोसीजर लिखा होता है कि किस तरह से जो है पुलिस कार्रवाई करती है। तो डियर स्टूडेंट इस सीआरपीसी को भी आपको गौर से देख लेना है और इसमें जो मेजर मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेक्शंस हैं उनको भी आपको स्टडी करना है। जैसे अगर मैं बात करूं बेल की, तो बेल के अंदर आप ये ज़रूर भी पढ़ लें कि 496 की बेल क्या होती है, 97 क्या होती है, 98 की क्या होती है, उसके बाद 169 की एक बेल होती है, उसके अलावा 426 की एक बेल होती है। तो डियर स्टूडेंट बेल आफ्टर अरेस्ट कौन सी होती है, बिफोर अरेस्ट बेल कौन सी होती है, प्रोटेक्टिव बेल कौन सी होती है और कन्वेक्शन बेल आफ्टर कन्वेक्शन बेल कौन सी होती है, इनको डिटेल से आप देख लेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी के अंदर आप ऑफेंस की स्टडी ज़रूर करेंगे कि ऑफेंस कौन कौन से कितने किस्म के होते हैं। तो ऑफेंस के अंदर हमारे पास जो ऑफेंस आ जाते हैं वो आपका बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसी तरह से आपको ऑफेंसेस की भी डिटेल से स्टडी कर लेनी है सीआरपीसी के अंदर से। तो डियर स्टूडेंट और आपको सारा प्रोसीजर पढ़ना है। प्रोसीजर एफआईआर कटने से शुरू होता है 154 से, जिसमें जो पुलिस जो है वो एफआईआर काटती है, उसके बाद 155 जो है उसके अंदर आपकी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसकी रिपोर्ट एक लिखी जाती है, उसके बाद 156 के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है केस के अंदर। तो यहाँ से भी आपको जो है इन सेक्शंस को भी अच्छे तरह से सीआरपीसी के वो पढ़ लेना है। और डियर स्टूडेंट उसके अलावा सीआरपीसी के अंदर जो मेजर मेजर आपके सेक्शन होंगे और टॉपिक होंगे उनको भी आपको स्टडी करना है। मैं डिटेल से ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो फिर मसला होगा। तो इसी वजह से हम इसको वीडियो को शॉर्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैं आपको समझा दूं और आप अच्छे से उसे तमाम के तमाम पढ़ पाएँ। तो डियर स्टूडेंट दो सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूं कि एक पीपीसी और दूसरा सीआरपीसी। अब अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास आ जाता है कानून शहादत। तो डियर स्टूडेंट कानून शहादत में आपको क्या पढ़ना है, तो कानून शहादत में आपको ये पढ़ना है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या होता है और हू मे टेस्टिमनी कौन गवाही दे सकता है, रेड जस्ट क्या होता है और उसके अलावा आपकी आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है उसको स्टडी कर लेना। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे सेक्शन आर्टिकल्स आ जाते हैं क्योंकि कानूनी शहादत के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, तो उसके आर्टिकल्स को आपको स्टडी कर लेना है और प्लस में उसको एक जनरल व्यू से भी आपको देख लेना है कि जैसे अगर बात चलती है विटनेस की, तो विटनेस जो है वो हू मे टेस्टिमनी, तो कौन जो है वो गवाही दे सकता है, तो आपको ये देख लेना है कि वो क्रिमिनल केस में जो है वो कौन गवाही दे सकता है और उसके अंदर नंबर ऑफ विटनेस कितने होंगे, कितने विटनेस जो है वो गवाही देंगे, और जो अगर कोई सिविल लिटिगेशन थे तो उसके अंदर जो है वो कितने गवाह चाहिए होंगे, और अगर कोई हदूद से जुड़कर बात आ गई तो हदूद के अंदर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या होगी और नंबर ऑफ विटनेस कितने होंगे, इस तरह की डिटेल में भी आपको ज़रूर जाना और आपको कानूनी शहादत की कम्प्लीटली तैयारी करनी है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कानूनी शहादत से ज़्यादातर सवालात आते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत आप देखना चाहते हैं उसको, आपको ज़्यादा नहीं स्टडी करना है, लेकिन इन तीन सब्जेक्टों को
मैंने आपको कहा कि सीआरपीसी, पीपीसी और प्लस में कानून शहादत, इन तीन सब्जेक्ट की आपको 100% जो है वो तैयारी कर लेनी है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को टच करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत उसको आप देख लें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको थोड़ा बहुत आप देख लें, लेकिन थोड़ा बहुत ही देखना, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो अगर आप इस तरह से इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लेते हैं, उसके प्लस में अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये तो अकेडमिक के सब्जेक्ट थे सारे के सारे, अब आप जहाँ पर जॉब लेने जा रहे हैं वो है एफआईए। तो डियर स्टूडेंट, एफआईए को लेकर आपको ये करना है कि एफआईए के अंदर आपको सबसे पहले ये पढ़ लेना है कि एफआईए की हिस्ट्री, कि एफआईए जो है वो कब वजूद में आया, कौन सी तारीख, कौन सी डेट को, और एफआईए के बारे के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका पहला जो डायरेक्टर था वो एफआईए का कौन था, और अभी करंट डायरेक्टर उसका एफआईए का कौन है, एफआईए के विंग्स कितने हैं, एफआईए की सर्विसेज क्या हैं, वो किस तरह से जो है एफआईए काम करती है। तो इसके इसके लिए भी आपको स्टडी कर लेनी है एफआईए को लेकर, और एफआईए एक्ट 2017 और एक दो एफआईए 100 और हैं पुराने वाले, उनको भी आप ज़रूर भी टच कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सीआरपीसी, पीपीसी, कानून शहादत और प्लस में अगर ये एफआईए का जो मैंने आपको बताया अगर इसकी आप तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर अगर देंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर में ज़रूर पास होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के पोर्शन की, जो कि 20% है। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश के पोर्शन में जो लीगल के लिए आ रहा होता है वो मैंने ये देखा कि उसके अंदर हमारे पास कोई सेनोनियम सिंटोनियम्स नहीं आते, बल्कि मैं इंग्लिश को लेकर जो है वो क्लासेस की ज़्यादातर बात की जाती है वहाँ पर, कि नाउन क्लास कौन सी है, एडजेक्टिव क्लास कौन सी है, तो वो आपको पहचानना होता है, कम्प्लेक्स क्लास कौन सी है और कंपाउंड क्लास कौन सा है। तो क्लासेस को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आ रहे होते हैं, तो इंग्लिश आपको एक अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं और ये क्लासेस को समझ लेते हैं, फ्रेजेस को समझ लेते हैं, उसके बाद आप थीसिस को समझ लेते हैं इंग्लिश की, और उसके अलावा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए इंग्लिश के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है अक्सर सवाल इस तरह से आ जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो आपसे पूछ लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से कौन सा वर्ड जो यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप ज़रूर भी उसको हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश को लेकर आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन पर आपको तैयारी ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा कि वहाँ पर सिनोनियम एंटोनियम्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पास्ट पेपर हैं उनमें ये देखा गया कि उनके अंदर ज़्यादातर क्लाजेस के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट द सेंटेंसेस, इस तरह के जो है वो जो है वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं इंग्लिश को लेकर। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश की तैयारी तो बहुत एक बड़ी तैयारी है, लेकिन फिर भी आपको जो मैंने बताया इंग्लिश में आप इन चीज़ों को ज़रूर भी टच करें, और अगर आप जो भी मैंने आपको एकेडमिक लेवल के सब्जेक्ट्स बताए हैं और जो भी मैंने आपको इंग्लिश का इंग्लिश के लिए बताए हैं सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो नो डाउट इंशाल्लाह आप इस पेपर के अंदर, एडी लीगल के अंदर ज़रूर भी पास होंगे। ये आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा, अगर आप एमसीक्यूज में 50 से अबव मार्क्स लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को। और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा, वो आपका रिटन टेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, रिटन टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए लिखने की, यानी कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है वो कुछ भी लिख सकें। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है वो अपनी इंग्लिश को अभी से बेहतर करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप ये एमसीक्यू टेस्ट पास करें तो आपकी इंग्लिश भी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, जो कि आप रिटन टेस्ट देकर उसमें से भी पास हो सकें। तो रिटन के लिए एक वीडियो में आगे और बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिटन के लिए भी एक वीडियो बनाऊं और उसमें आपको ये समझाऊं कि रिटन में कौन कौन सी चीज़ें कैसे आएंगी, तो आप मुझे ज़रूर भी जो है वो कमेंट्स करें। और डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने और किस तरह से आपको जो है वो इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए भी आपको एक मैं वीडियो बना लूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने आपको समझाया, जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं और जो भी इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, आप कोशिश करें उनकी तैयारी करें, और इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है वो एडी लीगल का जो ये हमारा पेपर है 17 ग्रेड का, आप पास कर लेंगे, इंशाल्लाह आप पास कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।